निधि, इससे पूछ के तारा के साथ यहाँ क्या कर रहा था, और वो भी इस हाल में? दादी, उसने कहा ना वो अचानक तारा से टकरा गया है ना। ये सच है? श्रवण बता ना कि तू तारा को बता रहा था कि तेरी शादी अब हो गई है, तो शादीशुदा है ना, ये बता। तुम यहाँ क्या करने आए थे? अरे दादी, वो मैं बता रही हूँ। चुप करने दी। हाँ हाँ दादी, वो मैं उसे यही बताने आया था कि मैं शादीशुदा हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि श्रवण तू जो कह रहा है सच कह रहा है। तारा से मिले आप? कैसी रही आपकी मीटिंग, बताइए ना। यार तुम क्या यहाँ बैठकर जादू टोना करती हो? हर बार मेरी छोटी से छोटी खुशी हमेशा यूं छूमंतर कर देती हो। श्रवण अभी भी उस तारा की बच्ची से मिल रहा है, भूला नहीं है उसे। निधि तो उसका मतलब समझ रही है ना। हे भगवान, मेरी साची, उस बेचारी की खुशियों पर कोई आंच ना आने देना। दादी दादी, अब खामखा टेंशन ले रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है। आई एम श्योर श्रवण तारा को समझाने गया होगा कि उसकी शादी अब हो गई है और वो साची के साथ बहुत खुश है। तारा मेरी खुशी, मेरी जिंदगी है। अगर आज तुम ना होती तो तारा मेरे साथ होती और मैं तारा के साथ। श्रवण जी, पर 6 महीने में तो मैं आपको। हाँ पता है, जा रही हो, लेकिन तारा तो 6 महीने से पहले ही आ गई ना। अब मैं क्या करूं, मैं तो फंस गया ना। पता होता ये सब होगा तो तुमसे झूठ मूठ की शादी करता ही नहीं। चल मैं मान लेती हूँ कि श्रवण उस लड़की को सचमुच भूल गया है हमेशा के लिए। मैं जानती हूँ दादी, आप बस मेरी बात का विश्वास कर लीजिए। दीदी सुन, मैंने श्रवण को बहुत जोर से डांट दिया था ना, मैं भी ना बहुत बुरा लगा होगा उसे। मैं जाकर उसको देख कर आती हूँ। हाँ दादी, काश कोई मेरे दिल का हाल जानता। काश कोई ये समझ पाता कि मैं तारा से कितना प्यार करता हूं। क्या कर रही हो तुम? श्रवण जी, दादी, साची यार, तुम ये सब कैसे जान लेती हो, कब कौन? जी, जब से आपको देखा है बस तब से। बाकी तुम लेट हो साची। आइए ना दादी।
अच्छा तो इसने बता दिया और बेटा लगता है तूने भी इसे माफ कर दिया। श्रवण ने तो अपना बीता हुआ कल भुला दिया और तू भी अपने आज को और कल को संवार। सच्चा प्यार तो शादी के बाद ही होता है, क्यों श्रवण? तू मुझसे नाराज है ना, मैंने डांट जो दिया था। सांची जैसी लड़की मिली है तुझे, ये तेरी खुशकिस्मती है बेटा। और हाँ, इसे तू जितना प्यार दे सकता है दे। और बोल, तू सांची से, सिर्फ सांची से जिंदगी भर प्यार करेगा। हाँ दादी, मैं सिर्फ साची से, सिर्फ साची से प्यार करता हूं और जिंदगी भर करता रहूं। बस तुम दोनों सदा खुश रहो, यही कहने आई थी मैं। अरे निधि बेटा चल चल, इन दोनों को डिस्टर्ब नहीं करते आप, चल। अरे श्रवण, बेटा तो ऑफिस नहीं गया? प्रताप और सब लोग तो गए ना? हाँ दादी, मैं नहीं गया, मैं पापा को बोल के छुट्टी ले ली। क्यों? वो साची ने। क्या साची ने? क्या दादी, मैंने इनसे कहा था कि मुझे घर छोड़ दें, मामा मामी की बहुत याद आ रही थी। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, अब तुम दोनों को साथ में घूमना फिरना चाहिए। जितना एक साथ घूमोगे फिरोगे उतना प्यार बढ़ेगा। साची, दादी या निधि डियर का फोन आएगा तो? आप चिंता मत कीजिए, मैं संभाल लूंगी। ओके थैंक्स। कैसी है? मामी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, श्रवण तुझे छोड़ के गया है, तू अकेली आई है? मामी ये मुझे बाहर तक छोड़ के गए हैं, वो क्या हुआ ना, इनके ऑफिस से बहुत अर्जेंट कॉल आया इसलिए जाना पड़ा। अरे हाँ भाई, हमारा दामाद कोई फालतू आदमी थोड़े ही है। अरे ये तो खुद ही आ गया। देखो भाई, ऐसा है कि जब अपनों से मिलना होता है ना तो मिलना हो ही जाता है। श्रेया, श्रेया कैसी है? मैं ठीक हूँ दीदी, आप कैसी हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, पर तू इतनी बुझी बुझी क्यों है? मामी क्या हुआ इसे? कुछ नहीं हुआ इसे, तुझे देखकर नाटक कर रही है, मस्ती आ रही है और क्या। अम्मा आप भी ना। साची बेटा, श्रेया को कुछ नहीं हुआ है। अच्छा सुन, तेरे डॉक्टर ने किसी चीज की मनाही तो नहीं की है ना तुझे? वो प्रीति डाइट टिक्किया बना रही है, तुझे थोड़ी तो खानी पड़ेगी। डाइट टिक्की?
ये क्या होता है? मुझे क्या मालूम, वो सुबह से बना रही है। चल तू खुद देख ले। वेलकम वेलकम, कम ऑन सिट डाउन। विश्वास नहीं हो रहा मुझे कि तुम मेरे होने वाले सन इन लॉ हो। अच्छा तुमने अपने घर वालों को हमारे बारे में सब कुछ बता दिया ना, तारा के बारे में। तो देखो श्रवण, शादी के बाद तारा काम करेगी। भाई उसने इतनी सारी पढ़ाई घर पे बैठने के लिए नहीं की, राइट? यू नो वन थिंग, पहले मैं शादी के लिए बिल्कुल राजी नहीं था, लेकिन जब तारा ने मुझे बताया कि तुमने अपने घर वालों के साथ तारा के लिए पंगा ले लिया, बस आई रियलाइज दैट यू रियली लव तारा। हाँ तो कब मिलवा रहे हो अपने परिवार वालों से? तारा नहीं है घर पे? तारा शायद कहीं बाहर गई, आई थी लेकिन तुरंत चली गई। तुम्हारे और तारा के बीच में कोई झगड़ा वगड़ा हुआ क्या? नहीं सर, बस वो मेरी बात नहीं समझ पाई और मैं उसकी बात नहीं समझ पाया। अरे भाई ये सब बातें तो शादी के बाद होती है, पति पत्नी एक दूसरे की बात समझते नहीं। नहीं सर, पर अब समझ गया हूं और उसको भी समझा दूंगा। ये लो, आई लाइक यू, वाकई काफी पसंद करने लगा हूं मैं तुम्हें। वाह भाभी, सीरियसली मजा आ गया। भैया से कह के आपके लिए एक रेस्टोरेंट खुलवाना पड़ेगा। नहीं नहीं, यही ठीक है। अरे साची, अब तू आ गई है ना, तुझसे पूछ लेते हैं। अब तो तू बड़े घर की बहू बन गई है ना। ये तो पर नानी, ये सब किस लिए? अरे इसके लिए। श्रेया देखा, इसी की शादी के लिए रिश्ते ला रहे हैं हम। मर रहे हैं, खप रहे हैं, जैसे तैसे कोशिश में लगे हैं कि बड़े घर में इसका रिश्ता हो जाए, और ये रिश्ते की बात करते ही मुंह उठाकर चली जाती है, ऐसे जैसे कि हम इसे कल ही ब्याह रहे हो। साची बेटा, तू ही देख के बता क्या कमी है। कमी इन लड़कों में नहीं, तुम्हारे विचारों में। बड़ा घर बड़ा घर, अरे बड़ा घर हो जाने से संस्कार बड़े नहीं हो जाते, और संस्कार पैसों से नहीं खरीदे जा सकते, समझ गई तुम? देखिए हम आपसे बात नहीं कर रहे, आप तो चुप ही रहिए। साची बेटा, तू ही समझा इस लड़की को। जी नानी, आप चिंता मत कीजिए, मैं श्रेया से बात करती हूँ। श्रेया, क्या बात है श्रेया? मैंने पहले तुझे कभी इतना अपसेट नहीं देखा। बता मुझे जरा। बैठियो। तू लव मैरिज करना चाहती थी ना? तू मुझसे तो कह सकती है ना, मैं मामा मामी से बात करूंगी। दीदी मैं साची, बहुत हो गई बातें, श्रवण आ गए हैं तुझे लेने, चल जल्दी। श्रवण जी? हाँ। श्रेया मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, तू अपना ख्याल रखना। हाँ श्रवण जी, सब ठीक तो है ना? श्रवण जी, आपके और तारा जी के बीच कुछ? हाँ, जिसे मैं प्यार करता हूँ, जिसके साथ मैंने इतने सपने देखे, वही तारा आज मेरी शक्ल नहीं देखना चाहती है।
मुझे लगता है कि मैं उसे धोखा दे रहा हूं, मैं उसके साथ विश्वासघात कर रहा हूं, पर ये सच नहीं है। मैं आज भी उसी को प्यार करता हूं। पर पता नहीं क्यों नहीं समझ रही है। और उसे समझाए कि मैं आज भी उसे उतना ही प्यार करता हूं। लेकिन मैं तुम्हें ये सब क्यों बता रहा हूं? तुम्हारे सामने प्यार जाहिर करके क्या फायदा? तुम्हें क्या पता प्यार करना क्या होता है? मैं जानती हूं श्रवण जी, प्यार करना क्या होता है। तुम जानती हो प्यार करना क्या होता है? मतलब तुम किसी से प्यार करती हो क्या? मैं नहीं श्रवण जी, मैं किसी से प्यार नहीं करती। तो फिर तुमने ये क्यों कहा कि तुम जानती हो प्यार करना क्या होता है? श्रवण जी, देख चुकी हूं ना कि आप तारा जी से कितना प्यार करते हैं। वही देखकर अब कुछ कुछ समझने लगी हूं कि प्यार क्या होता है। चलो तारा, answer the phone, please. तुम्हारा फोन कहाँ है? ये नंबर डायल करो। तारा को यार प्लीज, वो मेरा नंबर देख के फोन नहीं उठा रही है। तो I'm so sorry. कोई बात नहीं, तुम बस ये नंबर मिला दो प्लीज। श्रवण जी, मैं कैसे मिला सकती हूँ? श्रवण जी, मुझे क्यों इतना परेशान कर रहे हैं? आप अपना काम कीजिए और मुझे मेरा काम करने दीजिए ना। प्लीज हेल्प करने के लिए कह रहा हूँ। कह सकती हो तो ठीक है, इतना नखरे करने की क्या जरूरत है? श्रवण जी, आप प्लीज भी इतना डांट के कहते हैं। कान पकड़ के कह देता हूँ, साची जी सॉरी, प्लीज ये नंबर डायल कर दो प्लीज।